रेलवे खसारा अस्कुद नोटिस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट का शेख रशीद के भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वजीर रेलवे 1,00,000 मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे, सेक्रेटरी सीईओ और तमाम डीएस फारिग करना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि चीन से ML1 का मिलने वाला पैसा 1,00,000 मुलाजमीन ही ले जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तमाम डिविजनल सुप्रिटेंडेंट को फारिग करना पड़ेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकफ इख्तियार किया कि हुकूमत की कोशिश है मुलाजमीन की तादाद कम करके 76,000 तक लाई जाए, ताहम 1,00,000 मुलाजमीन ML1 के लिए रखे जाएंगे। शेख रशीद से शायद अल्फाज के चुनाव में गलती हो गई। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी साहब आपसे रेलवे नहीं चल रही, रेलवे का निजाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके, दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है, ML1 मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अदालत ने प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी।